इमारती का लहास जलता है तो बोलते हैं पांच लकड़ी डाली जाती है, जो भी जाते हैं थोड़े दूर दूर कर लीजिए, जो पांच लकड़ी पड़ती है बोलते हैं ना कि लहास पे पांच लकड़ियां डालने जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जेंट्स लोग जानते होंगे बोलते हैं ना। तो वहाँ पे जो लोग गए थे लकड़ी डालने वो तो लकड़ी डाले, लेकिन जो लोग वीडियो के माध्यम से वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने गए थे उन लोगों ने भर भर के वीडियो बनाया लड़ाई झगड़े वाला। ठीक है ठीक है, आप लोग न्यूज वाले हो, आप लोग को कल इनके पास जाना है वीडियो बनाने, परसों उनके पास जाना है, लेकिन हम यूट्यूबर हैं, हमको अपना खुद का देना है, हम आज इनके उनके पास नहीं जाएंगे, हमको आज अपने मुंह से बोल के डाले चाहे जो दिखाना है वो हम स्वयं करेंगे, हम मीडिया वाले नहीं हैं। जो सबसे पहली बात मैं इस बात पे बता दूं, जो लोग बोलते हैं कि पल पल की वीडियो आप लोग भी डाल रही थी, गोरखपुरिया भौजी को बोल रहे थे तो मैं भी साथ में थी, तो शायद मुझको भी बोला गया हो, मुझसे किसी ने बोला नहीं, लेकिन अगर बोलता तो उसका सवाल का जवाब मैं दे दे रही हूँ। पल पल की वीडियो हम इसलिए डाल रहे हैं, अगर हम पल पल की, देखिए हमारा यूट्यूब एक जरिया है कि हम कमाते हैं, जैसे मीडिया वालों का एक जरिया होता है कि जब तक न्यूज चलेगा नहीं तब तक वो लोग कमाएंगे नहीं, सही बात। उसी तरीके से अगर हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे तो हम लोग नहीं कमाएंगे, तो अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम देंगे कहाँ से। आप तो इंटरव्यू लेके चले जाइएगा, लेकिन हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग कहीं ना कहीं मदद करेंगे। अच्छा, तो पहला सवाल तो ये मैंने आपका दे दिया, दूसरा सवाल मैं ये आपको दे दूं, जो लोग ये मीडिया भाई जबरदस्ती घर में घुस घुस के इंटरव्यू ले रहे हैं, सबसे पहली बात हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है वो लोग ऐसा ना करें। आज को इनके घर में हुआ है, कल को आपकी भी घर में हो सकता है, तो आप लोग वहाँ पे माइक लेके तो नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो आपके घर का मैटर रहेगा, तो आप लोग बस वो बस इतना छोटा सा मामला बता के खत्म कर देंगे। किसी के घर में जबरदस्ती घुस के नहीं ले सकते, आज दूसरे के घर में है तो आप लोग जबरदस्ती घुस के ले रहे हैं, लेकिन ये हक किसी को नहीं दिया किसी ने कि किसी के घर में कोई घुस के कोई इंटरव्यू ले सकता है, किसी मीडिया वाले भाई को भी। यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हैं, क्या आप लोगों ने किसी के घर में जबरदस्ती घुस के इंटरव्यू लिया है? नहीं लिया है ना, परमिशन से लिया है ना। अभी अगर मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, पहले मैंने बोला है तभी तो आप ले रहे हैं, तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, वहाँ पे घाट पे जो लोग गए होंगे कुछ कुछ लोगों को पहचान रही, जैसे वो भैया हो गए, ये पता नहीं, मैं ये कुछ वैसे मीडिया को बताना चाहूंगा कि महिला खास करके राधा राज हैं, चाहे ये भी यूट्यूबर क्रिएटर हैं बेचारी जो भी है, लेकिन उतना परेशान नहीं किया जाए कि कोई आत्महत्या चाहे मरने पर मजबूर हो जाए, और किसी को उतना जलील नहीं किया जाए जब कि बिना काम धाम के जलील किया जाए, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए आप लोग पर हमेशा उंगलियां उठती रहती है, इसलिए आप लोग की वजह से हर एक मीडिया आप लोग, देखिए आप लोग का काम है, ठीक है आप लोग का काम है, आप अगर आप लोग आज मेरे पास है तो कल को किसी और को ढूंढेंगे। आप लोग मीडिया वाले हो, अगर आज मेरे पास हो तो कल आप लोग किसी और को ढूंढोगे, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोग किसको ढूंढने जाएंगे? हम लोग का जो वीडियो बनाने का स्टाइल है हम लोग तो खुद का अपना देंगे ना डेली का, इनके उनके पास तो नहीं जाएंगे, टॉर्चर तो नहीं करेंगे। आप लोग मीडिया वाले हो, इनके पास जाओगे, उनसे उनको गाली सुनवाओगे, उनसे उनको गाली सुनाओगे, बस यही कि जबरदस्ती घर में घुस के किसी के इंटरव्यू ना ले। अच्छा, यहाँ पे जो भी ये निरहू का मैटर है, और आप लोग को बता दूं यहाँ पे जो बहुत मीडिया भाई है, जैसे ये भैया हो गए, ये हो गए, इन लोगों ने अभी मेरे सामने ही निरहू की मदद की है, जो कि पैसे के मामले से करी है। एक मिनट, पब्लिक है, जानना जरूरी है, मेरा भी उधर ब्लॉग बन रहा है, आप लोग देख लीजिए, मेरे ब्लॉग के माध्यम से भी आपको पब्लिक जाने की आपने मदद की है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मीडिया भाई आए हैं, अगर आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज मदद करिए, और जो निरहू का स्कैनर है भैया के पास व्हाट्सअप कर दिया गया है, आप लोग एक दूसरे से ले लीजिए व्हाट्सअप, अपने थंबनेल पे अपने वीडियो पे चलाइए, ताकि उससे थोड़ी सी भी मदद हो उसकी निरहू की, ताकि वो जो भी काम। अच्छा राणा जी, एक सवाल रहेगा कि जो मालती का जो घटनाएं हुई है, मामले हुए हैं, क्या आपको लगता है क्या कारण हो सकता है? देखिए मेरे को यही लगता है कि मालती मर नहीं सकती है, ये मेरा मन कहता है, लेकिन मैं ये नहीं जानती हूँ कि ये मेरा मन सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने साल मालती के साथ काम किया है, एल्बम वगैरह में सहेली वाला साथ का रोल है हमारा, मैं मालती की माँ बनी हूँ, कितने वीडियो में बहन बनी हूँ, ननद बनी हूँ, और वैसे मेरा कोई मालती से रिश्ता नहीं था, यूट्यूब से जुड़े थे, एक मुँह बोला रिश्ता था, जो कि मैं उनको भाभी बोलती थी और वो मुझे ननद बोलती थी, मुँह बोला रिश्ता था, खून से बढ़ के था, खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन खून से बढ़ के मेरा उनसे रिश्ता था। तो बस इसी तौर पे मैं थोड़ी सी उनके लिए मदद करना चाहती हूँ, और मेरे मीडिया भाई जितने भी हैं, जो लोग, देखिए मैंने सुबह अपने चैनल पे वीडियो डाला है मीडिया वालों के लिए, कि कुछ चिथड़ लोग मीडिया वाले इतनी बदतमीजी से पेश कर रहे थे कि यहाँ पे चल रहा है मर्डर का, चाहे जो भी मैटर चल रहा है, तो इस पे अश्लीलता की बात नहीं होनी चाहिए थी ना। अगर किसी से अश्लीलता की बात करनी, अगर मैं अश्लीलता वीडियो बना रही हूँ, अगर आप इंटरव्यू वाले हो तो आप मेरे घर पे आके इंटरव्यू लीजिएगा, ये सवाल मुझसे मेरे घर करिएगा, ना कि वहाँ शमशान घाट पे करिएगा। ठीक है, गोरखपुरिया भौजी से कल सवाल किया गया कि आपका व्यूज कम हो जाता है तो आप महादेव को भगा देती हैं, तो उस पे उन्होंने गाली भी बकी है, क्योंकि जो चीज सच रहेगी उस पे इंसान। अच्छा, गोरखपुरिया भौजी के ऊपर लोग ऑब्जेक्शन पैदा कर रहे हैं कि आप उनको चढ़ाए बढ़ाए बहुत कुछ जानते हैं, आपको क्या लगता है गोरखपुरिया भौजी के इसमें कुछ हाथ है?
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक मदद कर रही हैं, ठीक है। अच्छा। हम भी यहाँ मदद ही करने आए हैं, आप आए हैं, आप भी पहले इंटरव्यू ही लेने आए थे, लेकिन मैंने बोला तो आपने भी मदद किया। अब आप चार लोग आपसे मिलेंगे तो आप उनसे भी कहेंगे कि जाइए उनके घर मदद करिए, अगर इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो कुछ मदद भी कर दीजिए। आपको लग रहा है वो एक तरह से मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो घंटे घंटे मतलब वहाँ पे रो रहे हैं, एक घंटा बाद फिर वीडियो गाड़ी में चले जाते, एडिट करो फिर अपलोड करो, ये कहाँ तक सही है? आपको दर्द है या फिर आप पैसा कमा रहे हैं? हाँ, आप फिर वीडियो क्यों बना रहे हैं वहाँ पे? मैंने ये सवाल पहले ही बता दिया, दोबारा बता दे रही हूँ, सुन लो, दोबारा बता दे रही हूँ, पहले तो मैंने बता दिया, पहले मैंने बता दिया, दोबारा भी बता दे रही हूँ। आप आए मदद करके चले गए, आप एक दिन आए, दूसरे दिन वीडियो बनाने आएंगे, दूसरे दिन मदद करके चले जाएंगे, लेकिन वो जुड़ी है, वो जुड़ी है, अगर वो वीडियो डाल रही है तो कहीं ना कहीं वो उसी पैसों से उनकी मदद भी कर रही है, ठीक है। अच्छा, गोरखपुरिया भौजी कुछ मदद कर रहे हैं पैसे के मैटर में? हाँ कर रही है, आप लोग के सामने जिन लोग का कैमरा वहाँ चीर घर पे चालू होगा उन लोगों ने देखा होगा कि मदद उन्होंने की है। सब लोग के घर पे हम लोग गए थे तो वहाँ के गांव वालों का कहना हमें अगल बगल पड़ोसी पड़ोसी के कि गोरखपुरिया भौजी का इसमें हाथ है, बहुत ज्यादा। मैं क्या बोलूं, मैंने आपसे आते ही बोला ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, मैंने आते ही बोला है मैं नहीं जानती हूँ विष्णु गलत है कि सही है, ठीक है। अच्छा। लेकिन उनकी जो बहन है, मालती की बहन है, मालती के पिता है, मालती के भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि विष्णु कातिल है, ठीक है, बाहरी आदमी नहीं जानता। आप आए हैं, आप पूछ रहे हैं, आपको भी नहीं मालूम है, आपने पूछा है उसका जवाब दे रही हूँ, सुन लो। विष्णु के गाँव वाले हो वो भी नहीं जानते हैं क्या सच्चाई है, रिपोर्ट आने तक कोई किसी को गुनेगार नहीं कह सकता। सही बात है, ठीक है। जब तक मेरे को ये हक किसी ने नहीं दिया कि मैं बोल दूं विष्णु गुनेगार था, ऐसा भी हो सकता है विष्णु फेमस था, क्या पता किसी ने तीसरे ने इसमें अपना हाथ साफ किया हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मालती, मालती का जो नाम है वो ब्रांड है, अगर मालती पागलों वाला भी रोल कर देना तो उसकी वीडियो को कोई नहीं चलने से रोक सकता है। उनके गांव के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मालती का जो सब्सक्राइबर था गोरखपुरिया भौजी से ज्यादा था, तो उनको देखा नहीं गया कभी? गोरखपुरिया सवाल सुन लीजिए पहले, कभी कभी वो मालती चौहान को गलत बोलती थी तो कभी विष्णु को गलत बोलती थी? देखिए यूट्यूब पे ये लगा रहता है, ठीक है, आप अगर किसी के पास जा रहे हैं, आपका सवाल का जवाब दूं जो आपने बोला कि कभी विष्णु को कभी मालती को गलत बोलती थी, आप इंटरव्यू वाले हैं, मेरे पास आए हैं, मैं बोल दूं गोरखपुरिया भौजी ऐसी है वैसी है, ठीक है। अब आप गोरखपुरिया भौजी यही वीडियो लेके आप गोरखपुरिया भौजी के पास जाइएगा कि राधा राज आपको ऐसे बोलिए, पहले बात सुनिए, मेरा बात सुन लीजिए, मैं आपके बात का जवाब दे रही हूँ, जवाब दे रही हूँ मैं जो आपने पूछा उसका जवाब दे रही हूँ। आप ही लोग वीडियो लेके जाइएगा, उनको चढ़ाइएगा कि ये देखिए आपको गाली दी है, उसको वीडियो दिखा दिया आपने, अब गोरखपुरिया भौजी उधर से मुझे गाली देंगी, अब वही वीडियो लेके आप मेरे पास आइएगा फिर मुझे बोलिए, मेरी बात सुनिए। चुमन चूती लोगों का काम है, मैं उन्हीं लोग को बोल रही हूँ, आप जैसे लोग को नहीं, उन्हीं लोग को बोल रही हूँ, सुन लो। मेरे पास आइएगा वीडियो लेके मुझे दिखाइएगा, फिर मुझे और गुस्सा आएगा कि मैंने इसको थोड़ी सी बात बोली उसने इतना बड़ा बतंगड़ कर दिया, लेकिन मुझे तो नहीं पता है ना कि बीच में खिचड़ी आप लोग पका रहे हो, जाके आप लोग कुछ और कह रहे हो तो वो कुछ और कह रही है, फिर मैं इधर से जाहिर सी बात है मैं गाली से बात करूंगी, फिर जाहिर सी बात है आप लोग उनके पास जाइएगा वो गाली से बात करेंगी, तो इसमें हम लोग की चलने लगती, हम लोग का मैटर बढ़ने लगता है, और फायदा कौन उठाता है? मीडिया वाले, ठीक है, मीडिया वाले फायदा उठा लेते हैं, यूट्यूबर उठा रहे हैं, मीडिया वाले नहीं आ रहे हैं, लोगों वाले नहीं आ रहे हैं। मैंने किसी भी चैनल का नाम नहीं लिया है, मैंने कुछ बोला है, कुछ मीडिया वाले जो भी लोग वहाँ पे भी थे, बहुत मीडिया वाले थे जो कि अंतिम संस्कार पूरा वहाँ तक लास्ट तक खड़े होके देखे हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कुछ लोगों का चैनल, इनका चेहरा पहचान रही हूँ, इनका पहचान रही हूँ, कुछ जिन लोग की मैंने वीडियो देखी है पूरी लास्ट तक अंतिम संस्कार की, उन लोग की बात कर रही हूँ, कुछ लोग का मैंने पूरा देखा है, जितने भी इंटरव्यू वाले थे मालती के चिता तक लास्ट तक खड़े थे, और कुछ इंटरव्यू वाले थे बस नारे लगा रहे थे और आगे पीछे घूम रहे थे बस, और कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो देखिए प्रशासन भी हमारी आ चुकी है, अब आप लोग प्रशासन से जाके पूछिए वीडियो बनाना किसी को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करती हूं, बस अगर आप लोग को मदद करना है तो आप लोग स्कैनर लगाइए। हाँ हाँ, मालती को इंसाफ मिलना चाहिए, बस मुझे, मैं इतना चाहती हूँ, कुछ नहीं चाहती हूँ। और नीरव वहाँ पे, नीरव स्कैनर दो, सभी लोग को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बाबू स्कैनर चाहिए, मालती स्कैनर दे दो, सभी लोगों को करनी चाहिए या नहीं? अच्छा, एक सवाल और आपसे रहेगी, एक सवाल और आपसे रहेगी, आप उनसे बहुत दिन से कनेक्ट हैं मालती चौहान जी से, उनका चरित्र कैसा था या फिर वो कैसा इंसान थे, उनके अंदर सहन शक्ति थी कि खुद को अपने आप को खत्म कर लेंगे? आप तो जानते होंगे ना किस तरह के औरत है। मैंने ये चीज पहले भी बोल दी और अब से भी बोल रही हूँ, जो मेरा मन कहा मैंने बोला ना कि मालती चौहान अब खुद से नहीं मर सकती है, ठीक है, मैंने ये चीज बोल दिया, फिर से मैं बोल रही हूँ, मालती चौहान डरती बहुत थी। अच्छा। और मेरे वीडियो में ये खुल के बोली, किस टाइप की डर? यही मारने पीटने, चाहे फिर अगर वो शूटिंग पे भी रहती थी ना, अगर उसके थोड़ी सी ठेस भी लग जाती थी ना तो शूटिंग बंद करके बैठ जाती थी। अच्छा, ठीक है, तो इस सब चीज से बहुत डरती थी, तो मुझे जहाँ तक की ये उम्मीद है कि वो
ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इसमें तीसरा हो चाहे कुछ भी इन्वॉल्व हो। तो ये चीज प्रशासन अपना काम कर रही है, उनको करने दें। आप लोग मीडिया वाले बस किसी के घर जाके परेशानी मत करें। अगर मदद करनी है तो वीडियो बंद करके स्कैनर लेके मालती चौहान के जो उनके भाई हैं उनके स्कैनर पे पेमेंट करिए, बस इतना ही मदद करिए। और कोई सवाल? चलिए, नमस्कार।